गुजरात का चुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए अस्मिता की लड़ाई है और इसका जो रैमिफिकेशंस होंगे वो सिर्फ इस चुनाव में नहीं 2019 में भी शायद हो सकते हैं। और हमारे साथ इस समय है राहुल गांधी। राहुल, आपने 22 साल की सरकार है गुजरात में, बीजेपी की सरकार है, गढ़ उनका माना जाता है, प्रधानमंत्री भी वहां से आते हैं, फिर भी आपने गुजरात को अपना रणभूमि बनाया, क्यों? 3-4 महीने पहले हम गुजरात गए और हमने एक लंबा दौरा शुरू किया। सबसे हमने बात की, जो हम चाहते थे कि जो गुजरात की फीलिंग है अंदर, जो दिल में है गुजरातियों के, वो हम समझें और उसके बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाए, अपना एक प्रकार से विजन बनाए गुजरात के लिए। तो 3 महीने के लिए हम गए, लाखों लोगों से हमें मिला, बातचीत की, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, सूरत में फैक्ट्रीज में, सब जगह हम गए, हर डिस्ट्रिक्ट में गए, और जो गुजरात की आवाज़ थी वो हमने बाहर निकाली और उसके बेसिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुली हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने शुरुआत की नर्मदा पे, नर्मदा से गए ओबीसी से बात नहीं बनी तो फिर गए विकास की यात्रा पे, विकास की यात्रा फ्लॉप हुई। एंड में अगर आपने देखा होगा, मोदी जी का भाषण 2 चीजों पे टिक गया, कांग्रेस पार्टी और नरेंद्र मोदी। मतलब एक प्रकार से बैंक्रप्सी हो गई कि मुद्दों के बारे में अब हम बोल नहीं पा रहे हैं, किसान के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं। सच्चाई ने उनको एक प्रकार से घेर लिया। राहुल, हर चुनाव में बहुत विशेष वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रचार के दौरान, कैंपेन में। मैं सिर्फ गुजरात की बात नहीं करूंगी, उत्तर प्रदेश है, कोई भी राज्य का चुनाव, लेकिन यहाँ पे खास तौर पर हमारे जैसे लोग जो इतने सालों से राजनीति देख रहे हैं, उनको भी लगा कि पर्सनल अटैक्स होते थे और आप पे तो सबसे ज्यादा पर्सनल अटैक्स हुए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष भी आप इसी बीच बने। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, और क्योंकि अब आप नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, ये राजनीति को, नॉर्म को बदलना पड़ेगा और पर्सनल भी आपको बुरा लगा? हम पर्सनल अटैक्स मैं नहीं करता हूँ। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी मेरे ऊपर जरूर करते हैं और बहुत अग्रेसिवली करते हैं, बहुत गलत नहीं, बुरा तो नहीं लगता, बुरा नहीं लगता है। मगर मणिशंकर जी ने जो बोला, हमने क्लियर कर दिया कि दैट लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज। डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ उन्होंने वर्ड्स यूज किए, अब गलत किया। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री थे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हिंदुस्तान के लिए पूरी जिंदगी दे दी, और जिस प्रकार मोदी जी ने उनके बारे में बोला, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, और फ्रेंकली अपोलोजाइज करना चाहिए। मगर वो मेरी जगह नहीं है, वो उनका डिसीजन है, मगर गलत बोला। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, सबको एक साथ लेकर जोड़कर आगे बढ़े, वो भी इस बार गुजरात में दिख रही है कि गुजरात पूरा एक साथ उठ रहा है, पूरा गुजरात उठ रहा है और कह रहा है कि जो पिछले 22 साल में हुआ, विकास की बात हुई नहीं हुआ, बात नहीं बनी, और अब हम नए तरीके से आगे जाना चाहते हैं और ये बदलाव दिख रहा है। लेकिन राहुल, आप जानते हैं ना, चुनाव आफ्टर चुनाव है, रिजल्ट्स पे हमारा कोई वो कंट्रोल नहीं है। हर चुनाव एक रेफरेंडम अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली माना जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री के ऊपर हो या आपके ऊपर हो, और अभी तो आप कांग्रेस अध्यक्ष हैं। क्या आपको ये है, लगता है कि इस चुनाव को आपके ऊपर रेफरेंडम माना जाएगा अगर कांग्रेस ने अच्छा नहीं किया तो? वो तो चुनाव के बाद है, मगर मेरी फीलिंग है कि इस बार गुजरात में आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलने वाला है। गुजरात की जनता ने मन बना लिया है और शॉकिंग रिजल्ट मिलेगा बीजेपी को, घबराए हुए हैं। मैं आपको 2 क्विक सवाल करके खत्म करूंगी। एक तो ये है कि बीजेपी का कहना ये है कि आपने अपनी राजनीति को बदला, आप मंदिर जाने लगे, आप रुद्राक्ष का माला पहनते हैं, आपने एक सॉफ्ट हिंदुत्व अप्रोच तय किया। क्या आपको लगता है ये आरोप सही है? क्या रिलीजन, हालांकि आपने कहा मंदिर में जाना मना है क्या मेरा? उनका कहना कि राहुल गांधी पहले नहीं जाते थे, अब जाते। बीजेपी की परमिशन की जरूरत है आज हिंदुस्तान में किसी को मंदिर जाने की? नहीं,
मुझे अच्छा लगता है मैं जाऊंगा। और केदारनाथ क्या गुजरात में है? और रिलीजन का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में यूज नहीं होना चाहिए? अगर मैं मंदिर जाना चाहता हूँ तो मुझे मना कैसे कर सकते हैं? वो तो मेरे ऊपर है, उनके ऊपर थोड़ी है। और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी, क्या आप समझ सकते हैं आपके ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? आपका फर्स्ट चैलेंज आपको क्या लगता है और क्या आप कांग्रेस पार्टी को देना चाहेंगे? जो युवाओं के दिल में फीलिंग है, जो उन्होंने मोदी जी पे एक्चुअली भरोसा किया था, जो भरोसा टूटा है। रोजगार की बात मोदी जी ने की थी, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की। गुजरात में आज 30 लाख बेरोजगार युवा हैं, उसके बारे में मोदी जी भाषण में नहीं बोलते हैं। भ्रष्टाचार के बारे में भी मोदी जी आज भाषण में नहीं बोलते हैं। आपने नोट किया होगा कि जय शाह के बारे में और राफेल के बारे में जब रिपोर्ट्स आई, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला है। और उसके बाद उस टाइम से उनके भाषणों में भ्रष्टाचार शब्द गायब हो गया है। तो एक जो फीलिंग थी, अपॉर्चुनिटी जो मोदी जी को मिली, वो उन्होंने खो दी है। क्रेडिबिलिटी गई है। और अब मुझे मुश्किल लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी 2019 में, इसका असर आ सकता है। हमारा काम, हिंदुस्तान के सामने मेन चैलेंज मेड इन चाइना। सिंपली बता देता हूं, 50,000 युवाओं को वो साल में दिन में रोजगार देते हैं। हम साल में 1 लाख को दे रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया 24 घंटे में 450 युवाओं को रोजगार देता है, जो चाइना 2 दिन में करता है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1 साल में कर नहीं पाते। और ये हिंदुस्तान के सामने चैलेंज है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, अलग अलग चीजों के बारे में मोदी जी बात कर रहे हैं, मगर जो मेन चीज है कि हमारा जो युवा है, चाहे वो गुजरात का हो चाहे वो हिंदुस्तान का, उसको रोजगार कैसे दिया जाए, वो कांग्रेस पार्टी के सामने चैलेंज है और हिंदुस्तान के सामने चैलेंज है, और मिलकर यह करना पड़ेगा। और आप सोशल मीडिया पे रोज उनसे एक सवाल पूछते थे, क्या ये सवाल जारी रहेगा लोकसभा चुनाव तक? सोशल मीडिया और आपके लिए नया एक्सपीरियंस, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका काफी अच्छा प्रयोग किया है आपने। बहुत ट्रैक्शन मिला है आपको सोशल मीडिया। आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा, मुझे प्रीति बहुत अच्छा लगा। मिले आप उससे? मिलवाइए नहीं, मगर जनता में फीलिंग है, जनता का एक्सप्रेशन है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो जनता पूछ रही है। जब मैं किसान की बात करता हूँ, सूरत के व्यापारियों की बात करता हूँ, वो उनकी फीलिंग है, मैं बस सुन रहा हूँ और बोल रहा हूँ। तो एक प्रकार से मैं जो वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैं अपने स्टेज से एक्सप्रेस करता हूँ।